वोट बैंक के माहौल से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ते हैं। जो भी मां भारती का संतान है, चाहे किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों लिए हुए हैं। और ये जंगल राज वाले लोग ये भ्रम में न रहे कि आपके भरोसे किसी भी जाति धर्म के लोगों की सुरक्षा छोड़ी जाएगी। जब आपको अवसर मिला था, आपके माता पिता नरसंहार कराकर दंगा करवाते थे, लोगों के मन में दहशत पैदा करते थे। आज जब से एनडीए सरकार है, केंद्र में हो या बिहार में, कोई भी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं हो पाई है, और कोई प्रयास भी किया है तो त्वरित गति से कार्रवाई हुई है। इसलिए ये लोग बात बनाने वाले तुष्टीकरण की राजनीति से, अरे ईंट से ईंट बजाने की बात करते हो, तो आप ही सत्ता में न थे, क्यों मौन थे? दरभंगा के अंदर जो हुआ, बिहार शरीफ के अंदर हुआ, कैमूर रोहतास के तरफ हुआ, जब हम नेता प्रतिपक्ष थे, तेजस्वी यादव जी आप सत्ता में थे, तुष्टीकरण की राजनीति से एक दर्जन से ज्यादा जगह पर दंगा हुआ था, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे थे। लेकिन आज हम लोग सरकार में आए हैं, एक जगह दंगा नहीं हुआ। ये दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो, रामनवमी में एक जगह दंगा नहीं हुआ, लेकिन आप सत्ता में थे, क्यों दंगा हुआ? जवाब देना चाहिए। अरे आपके ही पाप का फल है कि आज सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। झारखंड में थे तेजस्वी यादव, वहाँ राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने आपस में सीट बांट दिया, आरजेडी को कोई अहमियत नहीं दिया, कल हार के 6 सीटों पे तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा, पिछले बार 7 सीटों को मिला। देखिए इनकी विश्वसनीयता और जनता के बीच इनका महत्व कम रहा है, लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जब तक श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जिंदा हैं, तभी तक तेजस्वी यादव जी को लोग पूछ रहा है। जिस दिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव जी विदेश के भ्रमण में रहेंगे और अपने ऐशो आराम का जो पिताजी अकूत संपत्ति जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर जमा किए हैं, उसका उपभोग करते नजर आएंगे। फिर राजनीति में ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लालू यादव उन्होंने कहा है कि हम लोग श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप तो मुसलमानों को इतना भयभीत किए, भागलपुर की दंगा आप ही के कारण ना, बिहार शरीफ का, उत्तर बिहार के कई जिलों का। अरे ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में मां भारती के हर संतानों को भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं, और भय भूख भ्रष्टाचार सरदे अटल जी के नारा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साकार कर रहे हैं। इसलिए चिंता मत करिए, लोगों को आपकी वाणी से दोहरी अर्थ जाती है। आप तो चाहते ही हैं कि जातीय उन्माद फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, वो मनसा पूरा नहीं होगा। प्रियंका गांधी वो वायनाड से नॉमिनेशन किया, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वंशवादी परिवारवादी लोग अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन वंशवादियों परिवारवादियों से लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का संकल्प हर कार्यकर्ता साकार करेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वायनाड देश का एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां से दो सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद।
देखिए ये लोग सुरक्षित जगह खोजते हैं और वैसे जगह जाते हैं जहां लोगों को भय दिखाकर वोट पाते हैं, वह क्षेत्र इसलिए चुनते हैं कि अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा, उनको भय दिखाएंगे, हमको जिताओगे तो तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। धिक्कार है इसी मानसिकता को तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले को। आप राजनेता हो, अपने परिवार के उत्तर प्रदेश से पहचान बनाए थे, अपने जगह पर क्यों नहीं कायम रहते हो? जब हार जाते हो तो भाग करके दूसरे जगह से तुष्टिकरण के राजनीति से सत्ता में वापस आने का प्रयास करते हैं। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। देखिए पथ निर्माण विभाग पूरी तरह से बिहार के अंदर पारदर्शिता के साथ पथ पुल संधारण संबंधी लोक निवारण प्रणाली डेवलप कर रही है और ये पथ पुल संधारण संबंधी लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत हम लोग कॉल सेंटर भी बना रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहे हैं, नए नंबर लेकर के हम लोग देने भी जा रहे हैं और अभी तक जो एजेंसी और इंजीनियर की मिली भगत से व्यवस्था में त्रुटि रह जाती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर कि भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए आम पब्लिक को इससे जोड़ रहे हैं, कहीं भी गड़बड़ी मिलेगा वो शिकायत करेंगे, 3 दिन से 7 दिन के अंदर उसका समाधान होगा, नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।